नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूं आप सबका। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंड काव्य भारत भारती पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी में आज एक लंबे अंतराल के बाद आ रही है यह प्रस्तुति। इसलिए आपको याद दिला दूं कि हम बात कर रहे थे भारत में अशिक्षा व अविद्या की, उस भारत की जहां मां सरस्वती का अपमान हो रहा था। भारतीयों को उनका पुरातन इतिहास भुलाकर यूरोपीय इतिहास सिखाया जा रहा था। स्वावलंबन पर आधारित हमारी मूल शिक्षा पद्धति के स्थान पर हमें दासत्व की ओर धकेला जा रहा था। ऐसी शिक्षा के रहते हमारे भारतीय साहित्य के पनपने की संभावना तो लगभग समाप्त ही हो गई थी। आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं हमारे साहित्य के गिरते हुए स्तर की। उस सांप्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी अवस्था भी हमें कुछ जान लेना चाहिए। मृत हो कि जीवित, जाति का साहित्य जीवन चित्र है। वह भ्रष्ट है तो सिद्ध, फिर वह जाति भी अपवित्र है। उस सांप्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी अवस्था भी हमें कुछ जान लेना चाहिए। मृत हो कि जीवित, जाति का साहित्य जीवन चित्र है। वह भ्रष्ट है तो सिद्ध, फिर वह जाति भी अपवित्र है। साहित्य जीवन चित्र होता है, किसी भी जाति का पहचान होता है, किसी भी राष्ट्र की। मैं मानती हूँ कि साहित्य इतिहास का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए उसे मृत कहना तो सर्वथा गलत होगा। हर साहित्य अपने देश काल व वातावरण की जीवंत अभिव्यक्ति होता है। यदि साहित्य भ्रष्ट होगा तो अवश्य ही वो काल, वो जाति व उसका वातावरण भी भ्रष्ट अपवित्र रहा होगा। जिस जाति का साहित्य था स्वर्गीय भावों से भरा, करने लगा अब बस विषय के विश्वविटप को वह हरा। श्रुति शास्त्र सूत्र पुराण रामायण महाभारत हटे, वे नायिका भेदादि उनके स्थान में है आडटे। जिस जाति का साहित्य था स्वर्गीय भावों से भरा, करने लगा अब बस विषय के विष विटप को वह हरा। श्रुति शास्त्र सूत्र पुराण रामायण महाभारत हटे, वे नायिका भेदादि उनके स्थान में है आडटे। अब तक हमारे भारतवर्ष हमारे आर्यावर्त की उत्कृष्ट आर्य जाति का दर्पण था। हमारा वो साहित्य जो भरा था वेदों, पुराणों, उपनिषदों, असंख्य श्रुतियों, शास्त्रों, सूत्रों से, जहाँ लिखे गए थे रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य जो पथ प्रदर्शक बनते थे हर अवस्था के व्यक्ति के, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष। किंतु अब बदलते समय में साहित्य शैली में भी परिवर्तन हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं थी। गुप्त जी कहते हैं कि श्रृंगार रस परिपूर्ण नायिका भेद इत्यादि कुछ रचनाओं से इस बदलाव की पुष्टि हो जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य में नायिका भेद संबंधी ग्रंथों की संख्या लगभग 200 से भी अधिक है, किंतु इनमें से अधिकांश अप्रकाशित है। अब्दुल रहीम खाने खाना का बरवे नायिका भेद, भोज का श्रृंगार प्रकाश, भानुदत्त का रसमंजरी, मतिराम का रसराज और पद्माकर का जगत विनोद प्रमुख हैं। इन ग्रंथों की जानकारी जब मुझे पहली बार हुई तो समझ में आया कि यहीं से शायद प्रारंभ हुआ होगा स्त्री का वस्तुतिकरण, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। इतना अधिक विश्लेषण किया गया नायिका का, उसके अस्तित्व के हर पहलू का पुरुष प्रधान मानसिकता द्वारा, लगा कि किसी वस्तु को हर प्रकार से उलट पलट के, हर कोण से, हर दृष्टिकोण से, हर परिपेक्ष में, हर समीकरण में बिठाकर देखा जा रहा था।
बेशक इसका उद्देश्य कलात्मक दृष्टि से शुद्ध व विचारोत्तेजक रहा होगा, लेकिन पढ़ने वालों की संकीर्ण मानसिकता जब इससे जुड़ी होगी तो अवश्य इसे अश्लीलता से जोड़ दिया गया होगा। हम तो हुए ही पतित पर दुर्भाव जो भरते गए, सुकुमार भावी सृष्टि को भी वे पतित करते गए। हा उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा शील चौपट हो रहा। हम तो हुए ही पतित पर दुर्भाव जो भरते गए, सुकुमार भावी सृष्टि को भी वे पतित करते गए। हा उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा शील चौपट हो रहा। धीरे धीरे हमारे ग्रंथों का ह्रास होता जा रहा था, उनका स्तर घटता जा रहा था और पढ़ने वालों तक पहुंचकर इनमें और भी अधिक शिथिलता आ गई थी। और जब ये नया सस्ता हल्का फुल्का साहित्य पढ़ने वालों तक पहुंचता था तो इसमें और भी अधिक शिथिलता आ जाती थी। अपवित्र पतित भावों की भरमार हो गई थी समाज में और असर हो रहा था सुकुमार भावी सृष्टि पर, अर्थात नई पीढ़ी पर। उनके भीतर तो मानो यह साहित्य विष घोलने का काम कर रहा था। आहत होता है हृदय यह सोचकर कि किस प्रकार क्रम से हमारी संस्कृति व साहित्य को विदेशी संस्कृति व साहित्य की बलि चढ़ना पड़ा। हमारी सच्चरित्रता, हमारे संस्कार, हमारे उच्च भाव सब खो रहे थे। अश्लील ग्रंथों ने सब चौपट कर दिया था। इस अमर्यादित उच्छृंखल साहित्य के दौर में मानो शील भंग हो रहा था भारत की युवा पीढ़ी का। अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीते पड़े अब तक अहो उसके अखिल भंडार हैं, तुलसी तथा सूरादि के कुछ रत्न ही आधार हैं। अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीते पड़े अब तक अहो इसके अखिल भंडार हैं, तुलसी तथा सूरादि के कुछ रत्न ही आधार हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो थी, परंतु मजबूर थी, मानो रो रही थी अपने साहित्य पर आए संकट को देखकर। उसके अखिल संपूर्ण समस्त भंडार खाली हो चुके थे। अधिकांश हमारे संस्कृत ग्रंथों को तो पहले ही अग्नि की भेंट चढ़ाया जा चुका था और अब हिंदी को विकृत करने पर तुला था कुछ ऐसा फूहड़ भद्दा साहित्य जो सर्वथा अमर्यादित व सामाजिक आदर्शों से परे था। कुछ बचा था तो केवल तुलसीदास सूरदास की अनमोल कृतियों का आधार, जिनके कुछ अंश स्कूली शिक्षा में यदा कदा नाम मात्र के लिए शामिल कर लिए जाते थे। हमारे पुरातन साहित्य की हिंदी भाषा की ओर युवा पीढ़ी की रुचि तो तब बढ़ती जब उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाती, अवगत कराया जाता। अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी साहित्य की जानकारी ही अब उत्कृष्ट शिक्षा का पर्याय बन गई थी। अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से हम पर थोपा जा रहा था, जबकि सिर्फ 14 देशों में पूरी तरह से अंग्रेजी बोली जाती, बाकी सभी देश अपनी अपनी मातृभाषा में काम करते हैं। हमारे प्रिय श्रोता प्रफुल्ल भारती ने हमें कुछ जानकारी भेजी है इस बारे में, तो वो यहाँ आपसे साझा करती हूँ। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी 5वीं शताब्दी में बनी और लैटिन भाषा से विकसित हुई और अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द कुल 2600 हैं, बाकी अन्य भाषाओं से उधार लिए गए। सभी को मिला दिया जाए तो केवल 12000 शब्द होते हैं। अंग्रेजी में पूरी तरह से साहित्यिकता भी नहीं है, वर्णमाला की भी बहुत कमी है। शब्दों के मामले में देखा जाए तो यह भाषा बिल्कुल गरीब है। और जबकि हिंदी या संस्कृत आप
देखें तो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं, एक ही शब्द के अनेकों पर्याय हैं, उससे कहीं अधिक शब्दों का सागर तो गुजराती भाषा में है। 40,000 से भी अधिक शब्द हैं, मराठी भाषा में 48,000 से भी अधिक शब्द हैं, और हिंदी भाषा में सभी उधार लिए गए शब्द और पर्यायवाची यदि हटा भी दिए जाएं, तो भी 72,000 से भी अधिक शब्द बचते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि रचनात्मक विचार करेगा तो अपनी मातृभाषा में ही करेगा। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपना सारा कार्य जर्मनी भाषा में किया था, लेकिन यहाँ पर बात गुलामी की थी। मकसद था भारतीयों को गुलाम बनाना और गुलाम को अपने अनुसार ढालना और बस उनको उतना ही सिखाना जिससे कि उनके कार्यों की पूर्ति होती रहे और वो क्लर्की करते रहे, उनके लिए गुलामी करते रहे। उनके लिए अपने सिर पर थोड़ी बिठाना चाहते थे, वो हमें पैरों में रखना चाहते थे। उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि कर्म का मुक्ता बढ़ाना रह गया, देखो जहां वह वीर रस भी स्मर समर में हो गया परिणत यहाँ। उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि कर्म कामुकता बढ़ाना रह गया, देखो जहां वह वीर रस भी स्मर समर में हो गया परिणत यहाँ। कविता जो साहित्य की एक प्रमुख विधा है, जो मनुष्य के हृदय के भावों को पंख लगा देती है, कभी देश प्रेम के, कभी करुणा के, या कभी सामाजिक विकास के, कभी प्रेरणा के, कभी क्रोध के, कभी संवेदना के। लेकिन इतनी उच्छृंखल हो गई है आधुनिक कविता कि जिसका प्रमुख उद्देश्य केवल श्रृंगार रस ही होके रह गया है। हृदय के भावों को उत्तेजित तो अवश्य करती है, उन्मत्त तो अवश्य करती है मन को, किंतु वीरता के, राष्ट्रवाद के ओजपूर्ण रस से नहीं, मातृभूमि के प्रति प्रेम या बलिदान के भाव से नहीं, बल्कि विषयी भाव से, श्रृंगार पूर्ण कामुक भाव से। वीर रस तो जैसे केवल समर की स्मृतियों में ही रह गया है। वास्तविक रूप में वीर रणबांकुरे बनने का साहस तो दूर, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज तक उठाने का साहस नहीं बचा था। सोचो हमारे अर्थ है यह बात कैसे शोक की, श्री कृष्ण की हम आड़ लेकर हानि करते लोक की, भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगो उपासना है, धन्य ऐसे कविवरों को धन्य उनकी वासना। सोचो हमारे अर्थ है यह बात कैसे शोक की, श्री कृष्ण की हम आड़ लेकर हानि करते लोक की, भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगो उपासना है, धन्य ऐसे कविवरों को धन्य उनकी वासना। लानत है उन कवियों पर और उनकी वासना पूर्ण अभिव्यक्तियों पर कि अपने स्वार्थ के लिए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण तक को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण की रासलीला की आड़ में कितनी हानि की है समाज की उन्होंने, कितने दुख की बात है कि भगवान को साक्षी बनाकर की जा रही है यह अनंगो उपासना, अनंग अर्थात कामदेव की उपासना है। और औपन्यासिकों का एक नूतन दल यहाँ फैला रहा है जो निरंतर और भी हलचल यहाँ, दौरात्म्य हाँ अब लोक रुचि पर हो रहा है सब कहीं, हाँ स्वार्थ तेरी जय अरे तू क्या करा सकता नहीं है। और औपन्यासिकों का एक नूतन दल यहाँ फैला रहा है जो निरंतर और भी हलचल यहाँ, दौरात्म्य हाँ अब लोक रुचि पर हो रहा है सब कहीं, हाँ स्वार्थ तेरी जय अरे तू क्या करा सकता नहीं। कविता तो कविता उपन्यासकारों के
एक नवीन दल ने तो और भी अधिक हलचल मचा दी थी समाज में। लोक रुचि भी उसी ओर बढ़ रही थी, क्योंकि सस्ती, सरल, सुगम और सुलभ थी साहित्य की यह नई निकृष्ट विधा। दौरात्म्य बढ़ रहा था। सदाचारी, सदात्मा, महात्मा नहीं बल्कि दुरात्मा तैयार हो रहे थे इस विकृत शिक्षा व साहित्य के दौर में। सचमुच स्वार्थ बड़ा बलवान है और आत्मसंयम उतना ही कमजोर। क्या नहीं करा सकती मनुष्य से उसकी स्वार्थ लिप्सा। विरुचि विघातक ग्रंथ जो ही सैर करने को छुए, स्विया हुई कुलटा बहुत अनुकूल बहुधा शट हुए। थे भाव हम गिरते हुओं पर और पत्थर से गिरे, दब कर हृदय जिनसे हमारे हो गए जर्जर निरे। वे रुच विघातक ग्रंथ जो ही सैर करने को छुए, स्विया हुई कुलटा बहुत अनुकूल बहुधा शट हुए। थे भाव हम गिरते हुओं पर और पत्थर से गिरे, दबकर हृदय जिनसे हमारे हो गए जर्जर निरे। इस प्रकार के रुचि विघातक ग्रंथ गुप्त जी कहते हैं जो ही सैर करने को छुए, अर्थात हल्का फुल्का मनोरंजन जिसमें दिमाग न लगाना पड़े, लाइट रीडिंग ऑन द गो, ट्रैवल करते समय, यात्रा करते समय। तो इस प्रकार के ये रुचि विघातक ग्रंथ सुसंस्कारों में, सुरुचियों में बाधक बनकर सामने आए। निरंतर बढ़ती हुई मानसिक विकृतियों का मूल कारण बने, न केवल पुरुषों पर बल्कि पतिव्रता, स्विया, स्त्रियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला, परस्पर स्त्री पुरुष संबंधों पर प्रभाव डाला ऐसे घृणित साहित्य ने। एक तरफ शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था, गरीबी ने, भुखमरी ने हमारे भारत को, और दूसरी ओर मानसिक रूप से आघात कर रहा था देश की आत्मा पर यह सस्ता साहित्य। खोखले हो गए थे हम, गिरती हुई हमारी आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था पर ये अनैतिकता का वार हम पर मानो पत्थर बरसा रहा था, जर्जर छलनी कर रहा था हमारे हृदय। जो उपन्यास यहाँ सुशिक्षा प्रद कहा कर बिक रहे, उनमें अधिक विचार की ही नींव पर है टिक रहे। उनके कुपात्रों में नरक की आग ऐसी जागती, अपनी सुरुचि भी पाठकों की दूर जिससे भागती। जो उपन्यास यहाँ सुशिक्षा प्रद कहा कर बिक रहे, उनमें अधिक विचार की ही नींव पर है टिक रहे। उनके कुपात्रों में नरक की आग ऐसी जागती, अपनी सुरुचि भी पाठकों की दूर जिससे भागती। केवल नाम को, कहने मात्र को, बिक्री मात्र के लिए इन उपन्यासों को सुशिक्षा प्रद कहकर बेचा जाता था, लेकिन तत्वहीन, तथ्यहीन, अविचार पूर्ण ही पाया जाता था उनका कथा वस्तु। किसी भी साहित्यिक रचना के नायक नायिका ही यदि नरक के अधिकारी को पात्र हो, केवल रोमांच, उत्तेजना, व्यभिचार ही जिनका विचार हो, तो भला क्या सुरुचि जगाएंगे वो पाठकों में। साध्यंत उनमें असंभवता घन घटा सी छा रही, दुर्भाव की दुर्गंध उनसे अंत तक है आ रही। आई कहानी भी न कहनी और हम इतना बके, जीवन प्रभात न चंद्रशेखर एक भी हम लिख सके। साध्यंत उनमें असंभवता घन घटा सी छा रही, दुर्भाव की दुर्गंध उनसे अंत तक है आ रही। आई कहानी भी न कहनी और हम इतना बके, जीवन प्रभात न चंद्रशेखर एक भी हम लिख सके। शुरू से अंत तक जो दुर्भाव से प्रेरित हो, जिससे असंभवता की दुर्गंध आती हो, जो सत्य से कोसों दूर हो, अव्यावहारिक हो, भला क्या प्रेरणा देगा वो पाठक को।
जिन्हें कहानी भी कहने न आती हो वही साहित्यकार कहलाने लगे थे। अधिकांश में सामर्थ्य नहीं थी कि सामाजिक चेतना, राष्ट्रहित कुछ ऐसा लिखते जो देशवासियों की प्रेरणा बनता। यहाँ जीवन प्रभात व चंद्रशेखर दो उपन्यासों का उदाहरण दिया है गुप्त जी ने। जीवन प्रभात लिखा था प्रभुदास गांधी ने, जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रयोगों एवं संघर्ष की ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और रोचक कहानी है। और चंद्रशेखर उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित उपन्यास था, जो ब्रिटिश कालीन एक ऐसे साहसी व्यक्तित्व की गौरव गाथा है जिसने अपने बाहुबल और अपने साहस से अंग्रेजों द्वारा अपहृत एक युवती को उनके चंगुल से छुड़ा लिया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के समान राष्ट्रवादी लेखन तो मिलना ही असंभव था। विदेशी सरकार के रहते देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि साहित्य लिखने जैसा दुरूह काम बंकिम चंद्र जी के लिए ही संभव था। आनंद मठ का नाम कौन नहीं जानता, जिसमें से हमारा प्यारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। ऐसा साहित्य लिखने की अब न क्षमता थी किसी में, न साहस था, और सुशिक्षा के अभाव में न ही वो कौशल शेष रह गया था। लिखाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य रत्न कहा रहे, वे वीर वैतरणी नदी का है प्रवाह बहा रहे। वे हैं नरक के दूत किंबा सूत हैं कलिराज के, वे मित्र रूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के। लिखाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य रत्न कहा रहे, वे वीर वैतरणी नदी का है प्रवाह बहा रहे। वे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के, वे मित्र रूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के। बहुत ही बड़े ऊंचे मजे हुए कलाकारों के लिए व्यंगात्मक लिखाड़ शब्द का प्रयोग किया है गुप्त जी ने। व्यंग है ये एक, सही है ऐसे बिगड़े हुए लेखकों के लिए, तो ऐसे माहौल में ऐसे ऐसे लिखाड़ हुए और साहित्य रत्न भी कहलाए, जो वास्तव में भारतीय साहित्य के नाम पर कलंक समान थे, नरक की ओर धकेल रहे थे भारतवर्ष को, मानो नरक के दूत बनकर आए थे, कलिराज के सारथी बनकर आए थे। भारतवर्ष जो सतयुग समान देवनगरी का प्रतीक माना जाता था, उस भारत में शीघ्रता से अतिक्रमण हो रहा था कलयुग का, इन्हीं नरक दूतों के कारण भारत बह रहा था नैतिकता की वैतरणी में। हमारे धर्म संस्कार, हमारे आध्यात्मिक मूल्य सब खंडित हो रहे थे, शिथिल हो रहे थे। यहाँ वैतरणी का जिक्र है, तो वैतरणी पुराणों में वर्णित नरक लोक की नदी है, जिसमें पापी प्राणी मरने के बाद प्रेत शरीर धारण कर रोते हुए गिरते हैं, और जहाँ भयंकर जीव जंतु उन्हें डंक मारते हैं, कष्ट देते हैं, अपना शिकार बनाते हैं, और पापियों के लिए इसके पार जाना अत्यंत कठिन बताया गया है। यह भी कहा गया है महाभारत में कि भागीरथी गंगा ही जब पितृलोक में बहती है तब वह वैतरणी कहलाती है। और एक आश्चर्य की बात आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार जाना कि वैतरणी नाम की एक भौतिक नदी है भारत में, उड़ीसा राज्य में, जो बालासोर और कटक जिले की सीमा बनाती है और बालेश्वर जिले में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, इसे उड़ीसा की गंगा भी कहते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे भला परलोक में, वे ही कहें जो कुछ नहीं आता उन्हें तो मौन ही फिर वे रहें। पर मौन वे कैसे रहें निरुपाय, क्या भूखों मरे मर जाए क्यों न समाज सारा पॉकेट उनकी भरे। क्या मुंह दिखाएंगे भला परलोक में, वे ही कहें जो कुछ नहीं आता उन्हें तो मौन ही फिर वे रहे। पर मौन वे कैसे रहे निरुपाय, क्या भूखों मरे मर जाए क्यों न समाज सारा
पॉकेट हैं उनकी भरे। लेखक और कवि समुदाय जिनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है समाज, जब पथ भ्रष्ट करने का काम करने लगे तो उससे बड़ा शत्रु राष्ट्र का कोई हो नहीं सकता। क्या मुंह दिखलाएंगे वो परलोक में उस परमात्मा को, उस सर्वोच्च न्यायाधीश को ये सब करके। इससे तो अच्छा होता कि वे कुछ न लिखते, मौन ही रहते। लेकिन भला वो मौन क्यों रहते? क्योंकि उनकी यही बेबुनियाद अमर्यादित बकबक ही उन्हें दो वक्त की रोटी मुहैया कराती थी। राष्ट्रहित की, मानवता के उद्धार की बात अंग्रेज लिखने नहीं देते थे, और इतना साहस था नहीं कि समाज के, देश के उद्धार की बात लिखते। और फिर निज स्वार्थ की पूर्ति तो पहले आ ही जाती है। अब अपनी पॉकेट भरे या समाज की सोचे, भाड़ में जाए देश और नर्क में जाए देशवासी उनकी बला से। उनकी जेबें खाली नहीं होनी चाहिए। साहस चाहिए था अंग्रेजों की खिलाफत के लिए, जो बहुत कम विरले ही लोगों में था। हैं पत्र भी प्रायः परस्पर द्वेष भाव न छोड़ते, दल बंदियां करते हुए जी के फफोले फोड़ते। बीड़ा लिए जो देश हित का पथ हमें दिखला रहे, हट पक्षपात तथा हमें कुत्सा वही सिखला रहे। है पत्र भी प्रायः परस्पर द्वेष भाव न छोड़ते, दल बंदियां करते हुए जी के फफोले फोड़ते। बीड़ा लिए जो देश हित का पथ हमें दिखला रहे, हट पक्षपात तथा हमें कुत्सा वही सिखला रहे। यदि समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात की जाए तो वो भी मात्र आग लगाने का कार्य करते थे। न जाने किस होड़ में परस्पर विरोधी बने, सांप्रदायिक द्वेष भाव बढ़ाकर, दल बंदियां कराकर देश को बांटने का कार्य कर रहे थे। देश हित के नाम पर, जनमानस की एकता के नाम पर, उनके पथ प्रदर्शन के नाम पर वे केवल हमें हठ व पक्षपात की राह दिखा रहे थे, जिनसे कुत्सा, निंदा, घृणा, एक दूसरे की बुराई, अहित के अलावा कुछ और सीखने को नहीं मिल रहा था। आज भी वही हालत है हमारे मीडिया की। आप देख लीजिए, 24 घंटे कुछ न कुछ उटपटांग परोसा जाता है जनता को, और जितने भी दंगे, फसाद, आगजनी, लूटपाट इत्यादि होता है समाज में, उसको बढ़ावा देने का ज्यादातर श्रेय मीडिया को जाता है। चीजों को इतना उछाला जाता है, तर्क वितर्क किए जाते हैं कि समस्या दबने के बजाय और उछल उछल कर सामने आती है और अधिक छलक छलक कर समाज में फैलती है। गुप्त जी एक साहित्य साधक थे। उनके अनुसार कवि का कर्म केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। और उनका लक्ष्य था मानवता का उन्नयन और राष्ट्रहित, जो उस काल की भी आवश्यकता थी। किंतु पश्चिमवाद का हमला हमारी उत्कृष्ट साहित्यिक स्मृतियों को भी भुला देना चाहता था। अंग्रेजियत के पीछे हमारे साहित्य का सूर्य धीरे धीरे अस्त होता जा रहा था। लेकिन सूर्य की नियति है फिर फिर आना, रोज रोज, तो हमारे साहित्य के सूर्य को पुनः उदय होना ही होगा। आज इसी विचार के साथ इस कड़ी को यहाँ समाप्त करते हैं। और आपसे विदा लेने से पहले एक बार आज के पढ़े पदों को पुनः दोहरा लेते हैं। उस सांप्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी अवस्था भी हमें कुछ जान लेना चाहिए। मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन चित्र है, वह भ्रष्ट है तो सिद्ध, फिर वह जाति भी अपवित्र है। जिस जाति का साहित्य था स्वर्गीय भावों से भरा, करने लगा अब बस विषय के विष विटप को वह हरा। श्रुति शास्त्र सूत्र पुराण रामायण महाभारत हटे, वे नायिका भेदादि उनके स्थान में है आडटे। हम तो हुए ही पतित पर दुर्भाव जो भरते गए,
सुकुमार भावी सृष्टि को भी वे पतित करते गए। हाँ उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा शील चौपट हो रहा। अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीते पड़े अब तक अहो उसके अखिल भंडार हैं, तुलसी तथा सूरादि के कुछ रत्न ही आधार हैं। उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि कर्म का मुक्ता बढ़ाना रह गया देखो जहां, वह वीर रस भी स्मर समर में हो गया परिणत यहां। सोचो हमारे अर्थ है यह बात कैसे शोक की, श्री कृष्ण की हम आड़ लेकर हानि करते लोक की। भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगो वासना है, धन्य ऐसे कविवरों को धन्य उनकी वासना है। और औपन्यासिकों का एक नूतन दल यहाँ फैला रहा है जो निरंतर और भी हलचल यहाँ। दौरात्म्य अब लोक रुचि पर हो रहा है सब कहीं, हाँ स्वार्थ तेरी जय अरे तू क्या करा सकती नहीं। वे रुचि विघातक ग्रंथ ज्यों ही सैर करने को छुए, सिया हुई कुलटा बहुत अनुकूल बहुधा शठ हुए। थे भाव हम गिरते हुए ऊपर और पत्थर से गिरे, दब कर हृदय जिनसे हमारे हो गए जर जर निरे। जो उपन्यास यहाँ सुशिक्षा प्रद कहा कर बिक रहे, उनमें अधिक विचार की ही नींव पर हैं टिक रहे। उनके कुपात्रों में नरक की आग ऐसी जागती, अपनी सुरुचि भी पाठकों की दूर जिससे भागती। साध्यंत उनमें असंभवता घन घटा सी छा रही, दुर्भाव की दुर्गंध उनसे अंत तक है आ रही। आई कहानी भी न कहनी और हम इतना बके, जीवन प्रभात न चंद्रशेखर एक भी हम लिख सके। लिखाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य रत्न कहा रहे, विवीर वैतरणी नदी का है प्रवाह बहा रहे। वे है नरक के दूत किंवा सूत है कलराज के, वे मित्र रूपी शत्रु ही है देश और समाज के। क्या मुंह दिखाएंगे भला परलोक में वे ही कहें, जो कुछ नहीं आता उन्हें तो मौन ही फिर वे रहें। पर मौन वे कैसे रहे निरुपाय क्या भूखों मरे, मर जाए क्यों न समाज सारा पॉकेटें उनकी भरे। हैं पत्र भी प्रायः परस्पर द्वेष भाव न छोड़ते, दल बंदियां करते हुए जी के फफोले फोड़ते। बीड़ा लिए जो देश हित का पथ हमें दिखला रहे, हठ पक्षपात तथा हमें कुत्सा वही सिखला रहे। हठ पक्षपात तथा हमें कुत्सा वही सिखला रहे। तो आज यहाँ पर आपसे विदा लेने का समय आ गया है, शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। नमस्कार। जय भारत, जय भारती।